आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसानी से बनने वाले और मुंह में घुल जाने वाले मिठाई की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाशनी बना लेना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 1 कप पानी ले लिया है और 1/2 कप चीनी ले लिया है। अभी पानी के साथ चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उबाल आने देना है। हमें मीडियम फ्लेम में इसे 5 मिनट तक उबाल आने देना है। 5 मिनट हो चुके, अभी हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। फिर से अच्छे से मिला लेते हैं। अभी थोड़ा चाशनी को चेक कर लेना है, अगर आपके हाथों में चिपचिपा लगे तो चाशनी ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे चाशनी हमारा बनके रेडी है, इसे निकाल लेते हैं। और अभी यहाँ पे हमने 1/2 लीटर दूध ले लिया है। दूध में बॉयल आने देती है और थोड़ा सा चला लेते हैं। 2 मिनट के लिए दूध में अच्छे से बॉयल आने दिया है। अभी यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून चीनी ले लिया है। चीनी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से चलाते हुए और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। अभी यहाँ पे 2 टेबलस्पून दूध ले लिया है, ठंडा दूध। और यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया है वेनिला फ्लेवर का। इसे हम दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम सिम में रख के हमें दूध में एक कस्टर्ड पाउडर के मिक्सचर को डालना है और अच्छे से चलाते जाना है ताकि कोई लम्स ना रहे। और 2 मिनट के लिए हमें चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लेना होगा। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुके हैं। इस टाइम पे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने रास्क बिस्किट ले लिया है और पुडिंग को जमाने के लिए हमने यहाँ पे कांच का बाउल ले लिया है। अभी एक एक करके हमें बिस्किट को लेयर बिछा देना होगा और इसके ऊपर हमें चाशनी को डाल देना है चारों ओर से। और इसके ऊपर हमें कस्टर्ड मिल्क को डालना है, जिसे हमने अभी बना के रखा था। हमें गर्म ही डालना है ताकि बिस्किट हमारा जल्दी से सोक कर ले। और उसके ऊपर हमें ड्राई फ्रूट्स डालना है। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। फिर से हमें ऊपर से बिस्किट का लेयर बिछा देना है और उसके ऊपर चाशनी को डाल देना है चारों ओर से। और ऊपर से फिर से हमें कस्टर्ड मिल्क को डाल देना है चारों ओर से अच्छे से। अभी लास्ट में ऊपर से फिर से ड्राई फ्रूट्स डाल के हमें इसे सेट होने देना होगा फ्रिज में रख के 2 घंटे के लिए। देखिए 2 घंटे हो चुके, हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अभी हम इसे काट के सर्व करते हैं। अगर आपको भी मिठाई खाना पसंद है तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी सा डिजर्ट बन के रेडी हो जाते हैं। और हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिए कि आप लोगों को कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी। तो चलिए आज के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।